नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। शाम के 6 बजने को है और देश को जवाब दो के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान नेताओं का दिल्ली से करीब करीब पैकअप हो चुका है। किसानों की घर वापसी हो रही है, तंबू उखड़ रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जैसे स्वयंभू किसान नेता सियासी तिकड़म में लगे हुए हैं। दिल्ली से पैकअप होते होते टिकैत एंड कंपनी यूपी में सेटअप फिक्स करने की फिराक में। किसान महापंचायत के नाम पर किसानों को सियासी तौर पर एकजुट कर अपना मतलब साधने की कोशिश की जा रही है। बिजली बिल, गन्ना का भुगतान, ऐसे मुद्दे उठाकर अब सियासी जमीन तैयार करने की प्लानिंग की जा रही है। यानी अभी तक दिल्ली में बैठकर चुनावी राजनीति से दूर रहने की बात करने वाले टिकैत कैराना महापंचायत के जरिए सियासी लामबंदी में लगे हुए हैं। दिल्ली से बेरोजगार हुए टिकैत अब यूपी में सियासी रोजगार तलाशने में जुटे हुए हैं। देश को जवाब दो में आज हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे कुछ सवाल हैं, जैसे क्या राकेश टिकैत सियासत के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या किसान टिकैत के लिए महज मोहरा बंद कर रह गए? क्या जाटों को लामबंद कर टिकैत सियासी सौदेबाजी करना चाहते हैं? किसानों के मंच पर मुस्लिम नेता को बुलाना क्या सोचा समझा प्लान है क्या? आज देश को जवाब दो में बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। टिकैत का एजेंडा सियासी प्रोपेगंडा। कैराना में नुमाइश मिशन 2022 दिल्ली बॉर्डर से किसानों के आंदोलन का तंबू खड़ गया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी हुई। टिकरी बॉर्डर से खुशियां मनाते हुए किसान वापस लौट गए। यहां तक कि गाजीपुर बॉर्डर से भी टिकैत के लठैतों का तंबू उखड़ गया। लेकिन राकेश टिकैत अब नए एजेंडे पर लग चुके हैं। जब किसान दिल्ली से लौट चुके हैं, जब आंदोलन जीवियों के टेंट उखड़ गए हैं, तो अब राकेश टिकैत का 15 दिसंबर को दिल्ली छोड़ने की बात क्यों करना है? अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक जो है बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे और कब तक जो नॉर्मल आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी? हो जाएगी, आज हो जाएगी, काफी खुल जाएंगे आज रास्ते काफी। हम जाएंगे 15 तारीख में, यहाँ से 15 तक इतना सब लोग ये जाते रहेंगे तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे। अभी तो हम कैराना, चंडीगढ़, अमृतसर, हरियाणा, तो ये 8-10 जगह हमारे 3 दिन के प्रोग्राम में करीब 10 जगह से ज्यादा। दरअसल इस बीच टिकैत अपने सियासी एजेंडे पर काम करना चाहते हैं। दिल्ली छोड़ते छोड़ते टिकैत यूपी में सेटअप फिक्स कर लेना चाहते हैं और टिकैत के सियासी एजेंडे की झलक दिख गई कैराना महापंचायत में। यहाँ नई सियासी तिकड़म में टिकैत ने मंझे हुए सियासतदान की तरह कहा कि न कोई जीता न कोई हारा, बल्कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ। कलम और कैमरे पर पहरा है बंदूक का, तो अब कितना उस बात को सही मानते? सही है, बिल्कुल खुद का है योगदान रहा। योगदान रहा, लेकिन कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। जो आजादी रहनी चाहिए थी वो आजादी अभी नहीं है। दरअसल टिकैत विपक्षी दलों को ये सियासी संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट मुसलमानों को वो ही एक साथ ला सकते हैं और जताना चाहते हैं कि जाटलैंड में बड़ा चुनावी खेला उनके ही इशारों पर संभव है। पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या करीब 17% है, जबकि इस इलाके में मुसलमान 35-40% हैं। दोनों मिल जाएं तो करीब 70-72 सीटों पर विरोधी को चारों खाने चित कर सकते हैं। वहीं कैराना महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि कैराना पंचायत से बिजली की 2 लाइन दिखती है, दोनों ही किसानों के ट्यूबवेल चलाने के काम आती है, लेकिन मूल्य दरों में 5 गुना से भी अधिक है। दोनों राज्य भाजपा शासित हैं, लेकिन किसानों से इतना भेदभाव क्यों? जाहिर है टिकैत का निशाना यूपी और उत्तराखंड सरकारों पर था, यानी टिकैत
दिल्ली के बाद यूपी में सियासी सेटअप फिक्स कर चुके हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मिशन 2022 के लिए निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए देश को जवाब दो में बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। ब्रजेश भाटी किसान नेता हैं, अश्विनी दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंद्रजीत सिंह टीटू जी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, संजीव कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक है, थोड़ी देर में हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ दो सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैराना से प्रतीक हैं और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ प्रिया सिंह सोमवंशी हैं। सबसे पहले प्रतीक, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रतीक, आज कैराना महापंचायत में कितनी संख्या में किसान जुटे थे और उस मंच में कौन कौन था? जी प्रत्युष, अगर पूरे इस पंचायत को, महापंचायत को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो कहीं ना कहीं ये एकदम फेल जो है महापंचायत रही। जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कही गई राकेश टिकैत के द्वारा कि हम 50,000 से ज्यादा किसानों को हम इकट्ठा करेंगे, आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, लगातार हमने जो है वो फुटेज मतलब हमने दिखाई है कि 2,000 से 2,500 किसान उन्होंने इकट्ठा कर पाए, और वो भी कैसे इकट्ठा कर पाए। 11 बजे जो है ये महापंचायत होनी थी, 2-3 घंटे लेट से ये महापंचायत हुई, यानी कि ये साफ तय है कि लोगों को बटोरा गया, बटोर कर ये जो है महापंचायत की गई। तो इससे एक बात तो साफ है कि जो है जिस तरह बड़बोले राकेश टिकैत हैं, उनकी तुनी बातों पर अब किसान नहीं आने वाले हैं। प्रत्युष, मंच पर कौन था? मंच पर कौन था प्रतीक? जी प्रत्युष, अगर मंच पे बड़े चेहरों का जी मंच पे अगर किसी बड़े चेहरे का नाम कहा जाए तो राकेश टिकैत को छोड़ के कोई भी ऐसा कोई नेता नहीं था, कोई ऐसा बड़ी शख्सियत नहीं थी मंच पर मौजूद हो। हाँ, जो है शामली की जो अध्यक्ष है शामली के भारतीय किसान यूनियन के, वो मौजूद थे, बाकी कोई ऐसा कोई शख्स नहीं था। भीड़ जुटाई गई थी, जैसा मैंने कहा है, भीड़ जुटाई वहां पर महापंचायत में शामिल थी। जी 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 जी, इकरा हसन सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर उनका सम्मान करने आई थी, वो महापंचायत को कोई किसी तरह से रिप्रेजेंट करने नहीं आई थी महापंचायत को, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो वहां क्षेत्र के, वहां पर उनको कटसी कॉल में वो वहां गई थी, कटसी कॉल में उनको बुलाया गया था, वहां पर वो गई थी। चलिए प्रतीक, बने रहे हमारे साथ। प्रिया, हालांकि रात का वक्त हो गया, बहुत ज्यादा आप तस्वीर दिखा नहीं पाइएगा, लेकिन गाजीपुर में आप सुबह से हैं, कितना परसेंट ये पूरा बॉर्डर खाली हो गया है? देखिए प्रत्युष, जितना मैंने सुबह से देखा है, हालांकि देखिए रात का ये वक्त हो चुका है, तस्वीरें दिखाना जरूर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहूंगी 60% ये बॉर्डर अभी खाली हो चुका है। अगर सुबह से जो मैंने देखा है, मैं उसकी बात करूं तो कम से कम यहाँ पे 50 से ज्यादा ट्रैक्टर निकल चुके हैं और उतनी ही तादाद में यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो भी निकली हैं। यानी धीरे धीरे अब बॉर्डर पूरा खाली होता जा रहा है, जो टेंट्स लगे थे वो कम हो चुके हैं, लेकिन ये जो बाहर का टेंट है ये अभी नहीं निकलेगा। राकेश टिकैत ने ये साफ किया है कि जब सब यहाँ से जा चुके होंगे, पूरा किसान आंदोलन यहाँ से उठ के अपने घरों को जा चुका होगा, तभी आखिरी में ये टेंट्स निकाले जाएंगे। ठीक है प्रिया, आप हमारे साथ बने रहे, बॉर्डर का हाल हमें बता रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है सिंगू बॉर्डर से, जहां नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तकरीबन 380 दिनों के बाद सिंगू बॉर्डर से ये तस्वीर आई है, और इसे राहत भरी तस्वीर आप कह सकते हैं। बुलडोजर के जरिए सिंगू बॉर्डर खाली कराया गया, बैरिकेड्स हटाए गए, तंबुओं को पूरी तरीके से हटाया गया। किसानों की घर वापसी के बाद सिंगू बॉर्डर खाली हुआ है। 380 दिनों से परेशान लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। चलिए मैं अपने मेहमानों का रुख करता हूं। ब्रजेश भाटी आवाज आ रही है ना? ब्रजेश भाटी, देखिए बॉर्डर पर तो आंदोलन खत्म हो गया राकेश टिकैत का, अब यूपी में अब दरअसल में अब सियासी आंदोलन शुरू हो रहा है। कहां सियासी हो गया? राजनीतिक पार्टी का मंच दिखा आपको सियासी होने के लिए? प्रत्युष जी, अच्छा कहां सियासी हो गया? क्या किसानों की रैली करना सियासी है? 380 दिन जो किसान बैठे रहिए, ये सियासी था? अच्छा, ये देश, आप बोल लीजिए पहले ब्रजेश भाटी, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा, आप बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं, सियासी कहाँ हो गया? मैं आपको एक मिनट पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए। कौन सी पार्टी का झंडा वहाँ था? कौन सी पार्टी का सांसद विधायक वहाँ था? ओके, मुझे बता दीजिए कहाँ सियासी हो गया। ओके, ऐसी रैली तो अब इस मंच पर इकरा हसन क्या कर रही थी? अरे स्वागत करने के लिए आ सकते? ओके, स्वागत करने गई। इकरा हसन कौन है? करने के लिए आई है वो।
कौन एकरा हसन? जिनकी आप बात कर रहे हैं एकरा हसन, कौन एकरा हसन जानते हैं? नहीं मैं नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता। जब नहीं जानता तो बोलिए मत। नहीं मैं आप कह रहे हैं जब नहीं जानते तो बोलिए मत। नहीं मैं क्यों बताऊं किसी के बारे में, जानता ही नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं राजनीति, मैं आपको बता देता हूं इकरा हसन कौन है। यह नाविद हसन की बहन। नाविद हसन कौन है? समाजवादी पार्टी के विधायक। और ये इकरा हसन वो हैं लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने इन्होंने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ये हैं इकरा हसन। और आपने कहा कि सियासी आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत ने इस किसान आंदोलन के दौरान जितनी महापंचायतें की हैं उसमें लगभग 60% महापंचायतों में आरएलडी का साथ रहा है, जयंत चौधरी के साथ। आप कहते हैं सियासी नहीं है, और अब वो खुले मन से कहते हैं कि बीजेपी को हरा। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैंने जब आप बोल रहे थे मैंने टोका नहीं, टोका ना। खुले मन से कहते रहे कि साहब बीजेपी को हराना है। डॉक्टर दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल वो साफ साफ कह चुके आंदोलन खत्म होने के बाद का, उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं कि जिनको राजनीति में जाना है ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा छोड़ दे और जाके राजनीति चमकाएं। ये डॉक्टर दर्शन पाल का बयान है, मेरा नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। जो लोग कह रहे हैं आप, चलिए कौन सी पार्टी में चले गए राकेश टिकैत, कौन सी पार्टी का झंडा थाम लिया? ओके बता दीजिए। चलिए, किसी पार्टी का झंडा नहीं थामा, लेकिन एक पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं जिसको डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा आप खेती किसानी की बात कीजिए, पार्टी विशेष के खिलाफ बात मत कीजिए। आपकी लड़ाई सरकार या पार्टी से तो नहीं है। ओके, सबके अपने अपने विचार है, कौन क्या बयान दे रहा है। मनोज यादव साहब ने बात मान ली। मनोज यादव साहब देखिए, आप इसमें नए नए एजेंडे मत। मनोज यादव साहब ये कह रहे हैं कि ये कोई सियासी खेल नहीं चल रहा है, ये खेती किसानी और किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, जहां तक भारत सरकार का सवाल है तो भारत सरकार ने लगभग किसान मोर्चा की बहुत सारी जो मांगे थी वो लगभग मान चुकी है। लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं ब्रजेश भाटी, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सियासी नहीं हो रहे हैं? अरे मैं बोलता हूँ भाई साहब, एयरपोर्ट पे डोला सेन जी और कौन को लेने के लिए राकेश टिकैत जी को पश्चिम बंगाल के अंदर आए थे, आपको पता नहीं है क्या? आप भूल गए क्या राकेश टिकैत जी किस तरह से बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, और वहाँ मंचों पर जा रहे थे और बोल रहे थे वहाँ पश्चिम बंगाल की यूनिट, टीएमसी यूनिट कह रही थी कि आप मंच पर आइए, आप चिंता मत कीजिए, आप प्रचार प्रसार कीजिए, बीजेपी को हराना है बीजेपी। आप सुन लीजिए यार, ये सब तरीका ठीक नहीं है। दूसरा विषय, झूठ बोलोगे टोकेंगे हम। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसके बाद में बोल रहे हैं हम सियासी नहीं है, हम सियासी नहीं है। अरे भाई साहब, आरएलडी के जमानत जब्त नेता है राकेश टिकैत जी। तीसरा विषय, ये जो कैराना में जो हुआ ये संयोग नहीं है, प्रयोग चल रहा है, ये प्रयोग चल रहा है। और आपको पता है कि आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव होने वाले हैं वो गठबंधन है, और राकेश टिकैत आरएलडी से संबंध रखते हैं, आरएलडी की टीम से ही काम कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह टिटू जी भी हमारे साथ आरएलडी से जुड़ गए। इंद्रजीत सिंह टिटू जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत चौधरी राकेश टिकैत को चुनाव लड़वाना चाहते हैं? जो चढ़ूनी जी, हो सकता है कि आपको मेरा सवाल लगेगा कि आप बहुत ही जल्दबाजी में सवाल पूछ रहे हैं। मैं सीधे पूछ रहा हूं आपसे कि भाई जिस तरह के बयान लगातार राकेश टिकैत दे रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, क्या आरएलडी टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है क्या राकेश टिकैत को? देखिए खरे साहब, हर आदमी चंद्रशेखर आजाद और हर आदमी और शहीद भगत सिंह नहीं बन पाता है, और हर आदमी ना महात्मा गांधी बन पाता है। हाँ। कुछ जो चीजें ऐसी देश में होती है जिनकी वजह से देश आजाद हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, आज जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड से, दुनिया के हर कोने से राकेश टिकैत जी को आइकन का अवार्ड मिल रहा है। आज एमएलए और एमपी का पर शायद मुझे लगता है, जो मेरी निजी सोच है, एमएलए एमपी से बड़ा कद है राकेश टिकैत जी का। उन्होंने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। तो बाकी नेता क्या कर रहे थे, घास छिल रहे थे क्या एसकेएम के बाकी नेता? अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ आपकी बात, तो बता रहा हूँ। देखो एक एक ग्यारह होता है और कभी कभी एक एक 111 होता है। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ टीटू साहब इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एसकेएम में कई सारे नेता है, शायद 40 से ज्यादा नेता है, उनमें से मुझे लगता है कि 10 का भी नाम किसी को याद नहीं होगा। सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ राकेश टिकैत, राकेश टिकैत, राकेश टिकैत। प्रवक्ता है भाई, आपके आपके पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, अब वो चुनाव हार गए। मैं पूछ रहा हूं 2022 में सियासी जमीन तैयार है जयंत चौधरी के साथ घूम घूम कर? खड़े साहब, नहीं सुन तो लीजिए सर, उनके साथ घूम घूम कर महापंचायत करेंगे तो टिकट काहे नहीं दे देते? देखिए मैंने आपको एक वर्ड कहा, आज टिकैत जी एमएलए और एमपी से पड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब इनका ये पुराना भाईचारा है महेंद्र सिंह टिकैत जी के टाइम से,
ये परिवार के सदस्य। चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी जल्दी से इंक्लूड करूंगा ताकि ब्रेक से पहले मैं सबको मौका दे पाऊं। संजीव कौशिक को लेकर के आइए, अश्विनी दुबे को भी लेकर के आइए स्क्रीन पर। अश्विनी दुबे, अब ये क्या लग रहा है? देखिए एक बात तो साफ है अश्विनी दुबे कि भाई ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, क्या मैं, क्या आप, क्या राकेश टिकैत, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बीजेपी को हराना, राकेश टिकैत कहते हैं ठीक है उनकी मर्जी है, वो कहें, लेकिन इस बात को माने तो कि हाँ वो राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों कहते हैं कि ना ना हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है? अश्विनी दुबे, प्रत्युष भाई, पूरी सॉलिडारिटी किसानों के साथ, पूरी सिंपैथी किसानों के साथ हमारी भी है, आपकी भी है, लेकिन ये जो स्वयंभू नेता जो पॉलिटिकल अचीवमेंट को इनडायरेक्ट वे से अचीव करने के लिए, पॉलिटिकल अपने जो उनके हित हैं उसको साधने के लिए आम जनता को बहकाकर और 380 दिनों तक हमारे जैसे, आपके जैसे, संजीव कौशिक जैसे आम शहरी के जीवन को नर्क बनाने का काम इन्होंने किया, उनको तो खास तौर से आइकॉन किसी स्थिति में नहीं माना जा सकता है। ये आइकॉन इसलिए नहीं माने जा सकते क्योंकि 26 जनवरी पर देश को शर्मसार करने की जो घटना इन्होंने करवाई, ये आइकॉन इसलिए नहीं माने जा सकते क्योंकि इन्होंने बार बार पार्लियामेंट, जो डेमोक्रेसी का, हमारे देश का मंदिर है, उस पर 29 नवंबर को अटैक करने की बात की। ये आइकॉन प्रत्युष भाई इसलिए नहीं माने जा सकते कि जिस समय देश में एपिडेमिक डिजीज एक्ट था और जिस समय कोविड जैसी महामारी थी, उस समय एम्बुलेंसेस को नहीं आने देना, लोगों का सड़कों पर दम तोड़ देना, अस्पताल नहीं पहुंच पाना, एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाना, स्टेशन नहीं पहुंच पाना, रसद सामग्री खाद नहीं आने देना, इसलिए ये नहीं माने जा सकते। अब दूसरा विषय जो आपका है, बड़ा वैलिड प्रश्न, मैं 30 सेकंड में बता देता हूं, उसके बाद संजीव कौशिक जी के पास आप जाइएगा। तृणमूल कांग्रेस का खुलेआम राकेश टिकैत ने प्रचार किया, तो क्या राकेश टिकैत पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए वहां नहीं गए थे? दूसरा आप ये देखिए, बार बार एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके हैदराबाद में जो इन्होंने जा करके कहा, क्या ये पॉलिटिकल, इनका पॉलिटिकल हित साधने की बात नहीं थी? तीसरा, अगर ये हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर फ्रेंड बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि ये जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं और जाट लैंड में जाट पॉलिटिक्स को एक पॉलिटिकल पार्टी से कंबाइन करके सिंपैथेटिक स्टेटमेंट इस टीवी पर दे रहे हैं, तो क्या मैं सिचुएशन पे बाद में आऊंगा, लेकिन संजीव कौशिक उससे पहले आपसे सवाल जी, क्या आज की तारीख में राकेश टिकैत अपने आप को कह सकते हैं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ किसान और किसानी की बात कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी पर सियासी यदि चोट नहीं पड़ती तो भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन खत्म करवाना चाहती क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सियासत से सारे लोग मुंह मोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि सियासत यदि सामने नहीं आती तो ये आंदोलन चलता हुआ आपको दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के पांव पर जब कुल्हाड़ी लगनी शुरू हुई, और क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि राकेश टिकैत यदि सियासत की बात कर रहे हैं और यदि आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने चश्मे से देख रहे हैं, तो गुनाह है क्या सियासत करना? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूं, और लगातार ये जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने राजनीतिक फुटेज ले ली, बहुत बड़ा ले लिया या बढ़त बना ली, अरे साहब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत गई है, 380 अभी बार बार दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, इतने दिनों के तपस्या के बाद में यदि ये कानून वापस लिया गया है और ये कानून वापस लेने के बाद में यदि किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये अच्छी बात आपने कही, आपने कहा कि भाई अगर राकेश टिकैत सियासत की बात कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह हो गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन सवाल है कि अगर सियासत की बात हो रही है तो खुलकर कहिए ना, उसको नकारिए मत, ये मत कहिए कि मैं सियासत नहीं कर रहा हूं, हमारे मंच पर, हमारे मंच पर सियासी नेताओं को जगह नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। महापंचायत में नरेश टिकैत, जयंत चौधरी को देखा गया साथ में, लगातार महापंचायत करते रहे, गाजीपुर बॉर्डर में विपक्ष के नेताओं को जगह दी गई, सब आए राकेश टिकैत से मिलने के लिए। अगर आपको सियासत करनी है, किसानों की बात उठानी है, तो फिर आप राजस्थान क्यों नहीं जाते, फिर आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते, फिर आप पंजाब में आंदोलन क्यों नहीं करते? आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, देश को जवाब दो में आगे बढ़ो, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है, कल का दिन काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है, काशी का आध्यात्मिक महत्व और ज्यादा निखरेगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कल होना है, ये प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी दौरे से पहले ये ट्वीट किया है। चलिए वापस देश को जवाब दो में लौटते हैं अपने डिबेट में। ब्रजेश भाटी साहब, तो अब तो खुलकर मान लीजिए कि राकेश टिकैत अब सियासी पारी खेलने को तैयार है। मैंने तो नहीं कहा खुलकर मान ले, हाँ तो समय बताएगा। अच्छा,
वो तो वक्त तय करेगा कौन सियासी पारी। तो दिक्कत क्या आपको, अगर अगर वो सियासी पारी खेलते तो दिक्कत क्या है? कोई गलत काम तो करेंगे नहीं, कोई क्राइम तो करेंगे नहीं वो। अभी ये बिल स्थगित होने खत्म नहीं हुए, समझे बातों को आप? और ये आंदोलन स्थगित है अभी। अच्छा, संयुक्त मोर्चा की 15 तारीख को बैठक होनी है। हाँ। अभी इसको सियासी रंग दीजिए आप। अच्छा, सरकार के कहने में और कथनी में बहुत फर्क है ना, अभी चीजों को वो भी देख रहे हैं। अच्छा, वो बोलते रहे कि हम बीजेपी को हराएंगे, वो बोलते रहे कि भाई हम अब यूपी से योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, आप कह रहे हैं कि कोई सियासी पारी नहीं है, अभी तो बॉर्डर वाला आंदोलन ही चल रहा है, उस मोड से बाहर निकलिए। ब्रजेश भाटी से पूछिए। अरे ब्रजेश भाटी जी, अगर आपका आंदोलन सियासी नहीं है, यदि आपका आंदोलन सियासी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि राकेश टिकैत, ठीक है मानता हूँ सियासत नहीं कर रहे हैं, राकेश टिकैत सियासत नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताइए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जहाँ पंजाब के अंदर किसानों को सजा मिलती है, वो पंजाब में कब जा रहे हैं? एपीएमसी मंडियां नहीं है केरल के अंदर, बताइए केरल में कब जा रहे हैं राकेश टिकैत जी? और मुझे बताइए कि जो ये बिल लाए गए थे, यही हूबहू महाराष्ट्र सरकार ने उनको अपनाया है, तो महाराष्ट्र में कब जा रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए किसानों का बाकी है पंजाब सरकार पर, उनको मुआवजा दिलाने कब जा रहे हैं? राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने गंगाजल हाथ में लेकर कहा था कि इनके लोन माफ कर देंगे, ऋण माफ कर देंगे। मुझे बताइए राजस्थान में कब जा रहे हैं? ब्रजेश भाटी जी, ब्रजेश भाटी जी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखना बंद कीजिए और एक राजनीतिक पार्टी का गठन कीजिए और मैदान में उतरिए तो हाथ करिए, पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोग आपके साथ नहीं है। किसानों के नाम पर जो मुस्लिम समीकरण का जो कनाडा में प्रयोग चल रहा है, जाट और मुस्लिम समीकरण का जो कनाडा में प्रयोग चल रहा है, वो समाजवादी पार्टी और आरएनसी के साथ चल रहा है आपका। बाकी मेहमानों को बुलाइए स्क्रीन पर, इंद्रजीत सिंह टिट्टू जी, मैं ये बात पहले भी कहा था और मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर वो राजनीतिक पारी खेलना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ब्रजेश भाटी साहब बहुत असहज महसूस करने लगते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई सियासी पारी खेले, इसमें असहज महसूस करने वाली क्या बात है? लड़े ना चुनाव, क्या दिक्कत है? वो आरएलडी के साथ हो जाए, समाजवादी पार्टी के साथ हो जाए, कांग्रेस के साथ हो जाए, बीएसपी के साथ हो जाए, क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए कि आप राजनीतिक दल बनाएंगे? टीटू साहब, आप जो कर रहे हैं वहाँ पर वो मुस्लिम है, मुस्लिम और जाटों का समीकरण ही तो साध रहे हैं वहाँ पर, तो कारण में क्या हुआ है? राकेश टिकैत जी आज की तारीख में एमएलए और एमपी के साथ से बहुत मनोजी सबका साथ, उन्होंने अन्नदाता की लड़ाई को लड़ा है। पहली बात, एक सेकंड, दूसरी बात, ब्रजेश भाटी जी, एक सेकंड ब्रजेश भाटी जी, मनोज यादव जी, एक सेकंड सुन लीजिए, एक एक करके बोलिएगा तो बात समझ में आएगी, वरना कुछ समझ में नहीं आएगी, ना मुझे सुनाई देगा ना दर्शकों को सुनाई देगा। टीटू साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। खरे साहब, आज की तारीख में राकेश टिकैत जी एमएलए और एमपी की सीट से ऊंचे हैं, पहली बार उनको, क्योंकि उन्होंने बिना स्वार्थ के लड़ाई लड़ी है अन्नदाता की, और उसमें कोई भी एमएलए होगा या एमपी होगा उसकी अपने क्षेत्र के बारे में जो भी उसकी विधानसभा होगी, जो लोकसभा होगी, वहां पे बना दिया जाए। राकेश टिकैत जी आज की तारीख, यानी एक बात तो साफ है ना टीटू जी की, राकेश टिकैत आपकी नजर में एमएलए एमपी से ऊपर है, उनको राष्ट्रपति बनवाएंगे, तो फिर आप इस बात को मान रहे हैं ना कि राकेश टिकैत को सामने रख करके जयंत चौधरी आरएलडी चुनावी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं? और ये वही जयंत चौधरी मथुरा में उन्होंने कहा था राकेश टिकैत के आंसुओं का बदला लेगा किसान, ये वही जयंत चौधरी हैं। और आपको याद होगा, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, पश्चिमी यूपी में जाट लैंड में कसम खाई जाती है, हमारे जाट भाई अच्छी तरीके समझते हैं कि वो कसम क्या है, वो है नून लोटा कसम, इसको विश्व प्रतिज्ञा माना जाता है, और जो इस कसम को तोड़ता है उसको बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। ये जैन चौधरी साहब ने कसम दिलवाई थी जाट भाइयों को, देखिए नरेश टिकैत के साथ मिलकर के, तो भाई मान लीजिए ना इस बात को, मैं मान रहा हूं कि राकेश टिकैत को सामने रख करके आप अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, जब बीजेपी के लीडर कई सौ आदमी लेकर गाजीपुर पहुंच गए थे, हाँ। और किस तरीके का व्यवहार करना चाह रहे थे, उस टाइम बाजू बनकर और एक मार्गदर्शक बनकर और पिता के रूप में कौन खड़ा हुआ था? स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी। चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि अन्नदाता के साथ नजायज नहीं होनी चाहिए, और वो भावुक हुए, आंसुओं का सैलाब आया और आज आंदोलन कामयाब हुआ,
क्या उस टाइम अगर ये सोचते कि राकेश टिकैत की मैं मदद क्यों करूं चौधरी अजीत सिंह की, तो मतलब राकेश टिकैत की आंसुओं से, राकेश टिकैत की आंसुओं से आरएलडी को एक बड़ा सहारा मिल गया राजनीतिक जमीन का। मेरा सवाल है मनोज यादव आपसे, मनोज यादव जी बार बार जो ये राकेश टिकैत को लेकर सवाल खड़े, मनोज यादव जी सवाल सुन लीजिए, क्या बीजेपी को डर लग रहा है क्या राकेश टिकैत एसपी और आरएलडी के लिए, अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खुलेआम बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि आपको सत्ता से बाहर कर देंगे, बीजेपी को डर लग रहा है क्या? देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है कि ये तो पहले से ही सर्वविदित है कि वो किसी न किसी तरह से आरएलडी के टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं, बी टीम के रूप में ही काम कर रहे हैं, और उनके वो जमानत जब्त नेता रहे हैं, इनके जमानत जब्त नेता रहे हैं, और टीटू जी बोल ही रहे हैं कि वो सांसद और एमपी के लायक नहीं है, इसका मतलब राष्ट्रपति बनाना चाह रहे होंगे, हो सकता है इनकी ये कामना हो, और ये अगली मांग भी होने वाली है, ये अगली मांग भी आंदोलन में होने वाली है। नहीं, मुझे बताइए कि हमको डर क्यों लगेगा, मुझे बताइए प्रत्युष जी हमको डर क्यों लगेगा, ये तो बंगाल में भी गए थे जहाँ हमारी पार्टी की 3 सीटें थी, वहां पर हम 77 सीटें जीत करके आए, बंगाल में भी गए थे। देखिए ऐसा है, पैरों तले आपकी जमीन खिसक गई है, कैराना में देखा भीड़ नहीं जुटा पाया आप, कैराना में। चले बाकी मेहमानों को भी शामिल किया, अश्विनी दुबे और संजीव कौशिक को भी लाएंगे। संजीव कौशिक, सवाल यहाँ पर ये है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई देखिए मेरा कोई सियासत से मतलब नहीं है, मैं तो किसानों की जहां जहां बात होगी मैं वहां पर जाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, राजस्थान में बाजरे का जो एमएसपी है उससे लगभग 1100-1200 रुपए कम में किसानों को बेचना पड़ रहा है, अब ये बताइए वहां पर राकेश टिकैत को नहीं जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ में मंडी में 3 रुपए टैक्स क्या बढ़ गया, आरतीयों ने सीधे 300 रुपए रेट गिरा दिया, तो वहां पर राकेश टिकैत को नहीं जाना चाहिए? प्रत्युष जी आप हमें बताइए कि मनोज यादव क्या चाह रहे हैं कि इस तरह के आश्वासन के बाद में राकेश टिकैत घर जाएं और तकिए पर सर रख के अपना सो जाएं, जबकि उनको पता है कि सरकार इतना अविश्वासी सरकार है और इतना हठधर्मी वाली सरकार है कि ये कहती कुछ और करती कुछ और, और इसके बावजूद आप चाहते हैं कि वो चले जाए? अरे साहब, ये स्थगित किया गया है केवल, और इंतजार करने की बात है 2 महीने तक इंतजार किया जाए, 2 महीने तक सरकार अपने बातों पर खरा नहीं उतरती है तो फिर सरकार को उससे भी ज्यादा परेशानी देने की जरूरत है। आज के वक्त में जिस तरह से कितने लोगों की शहादत देने के बाद उन लोगों ने अपने मुद्रा को तोड़ा है, आज लगातार ये बैठ करके तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सियासी चोट नहीं पहुंचने वाली होती तो आप सुनते भी नहीं, अभी लगातार आप बोले चले जा रहे हैं, बोलने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कैसे नहीं फर्क पड़ने वाला है साहब? फर्क नहीं पड़ने वाला होता तो आप झुकते नहीं, झुकने वाले थे आप लोगों को पता था कि अश्विनी दुबे जी क्या राकेश टिकैत को जाटलैंड में पश्चिमी यूपी में मतदाता वहां पर सीरियसली लेंगे क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वही राकेश टिकैत है जो कहते हैं कि भाई T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार हो गई तो ये सब कुछ सरकार ने, मोदी सरकार ने करवाया क्योंकि हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना था, तो ऐसे ऐसे बयान तो राकेश टिकैत देते हैं, क्या इसका सियासी फायदा एसपी आरएलडी गठबंधन को होगा क्या उस जाटलैंड में? प्रत्युष भाई सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राकेश आंदोलन के कॉल ऑफ होने से सबसे ज्यादा अगर दुख किसी को हुआ है तो वो राकेश टिकैत को हुआ है। आप देखिए कि सारे किसान यूनियन आंदोलन स्थल छोड़ करके अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं किसान, और राकेश टिकैत अभी भी बॉर्डर पर साहब ये तकलीफ पहले दे देनी थी ना, नंबर पहले ही दे देनी थी। प्रत्युष भाई बड़े आदर के साथ उनके उन पैनलिस्ट को बोलिए कि थोड़े हमें भी, हमारा भी डेमोक्रेटिक राइट है कुछ बोलने का। दूसरा प्रत्युष भाई, 380 दिनों तक बंधक बना के रखा, हम कभी इस बात को नहीं भूल सकते जितनी हम लोगों ने परेशानियों का सरकार किया। ने बंधक बना के रखा, किसानों ने बंधक नहीं बनाया था, सरकार ने किसानों को बंधक बना के रखा, घेर के रखा चारों तरफ से, सरकार ने जातियां की, शहादत किसानों ने दी है, शहादत आम लोगों ने नहीं दी है, शहादत सरकार ने नहीं दी है। की बात होती है तो बीच में इलॉजिकल अपने बातों को नहीं लाइए, पहले सुनने की कोशिश करें, सुनने का मानदा रखिए संजीव कौशिक जी। तीसरी बात जो आप बात कह रहे हैं आप प्रत्युष भाई, ये वही राकेश टिकैत है जब तालिबानी स्टाइल में मर्डर होता है, हाथ काटे जाते हैं, पांव काटे जाते हैं मंच से 100 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी आप पर, अहमियत दे ही नहीं रहे, सरकार अहमियत दे रही है। और प्रत्युष भाई एक और कानून तक वापस ले रही है और आप उनको अभी डकैती कहना चाहते हैं। मैं किसान मानता हूँ भानु प्रताप सिंह भानु को, भारतीय किसान यूनियन भानु के, आप तो उन सारे किसान नेताओं को नेता मानेंगे जो पहले वहां से निकल के चले गए या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित अलग अलग जगहों पर चौपाल लगा रहे थे, वही असली किसान नेता आप मानते हैं? ब्रजेश भाटी राकेश टिकैत किसानों की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत राजस्थान कब जाने वाले हैं? क्योंकि मैंने अभी देखा है उनका कार्यक्रम जो है वो कह रहे हैं कि अभी मुझे तमिलनाडु भी जाना है,
मैं महाराष्ट्र भी जाऊंगा, तो राकेश टिकैत से पूछिए कि राजस्थान कब जाएंगे, छत्तीसगढ़ कब जाएंगे, अपने देश के देश जाने के लिए भाई चले जाएंगे। ब्रजेश भाटी साहब, और क्यों जाएंगे, और इन सबकी दुकान बंद हो गई। प्रत्युष भाई, कल परसों से टीवी पर नहीं दिखेंगे ये लोग। देश को बंधक बनाने वाले, राजधानी को बंधक बनाने वाले और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में लाने वाले जो स्वयंभू किसान नेता है, वो नहीं दिखेंगे। उसी मंच के तरीके से आंदोलन करके सरकार को झुका के उनके नीतियों को अपने वापस लेने के लिए मजबूर करने वाले लोगों को आप कह रहे हैं कि टिटू साहब राकेश टिकैत आपके स्टार प्रचारक बने रहे या टिकट भी दीजिएगा। देखिए मैं आपको फिर बार बार आप वही बात कर रहे हैं, मैं वही कहूंगा। अरे सर, मैं देखिए, चूंकि चुनाव का माहौल है, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, मुझे घुमा फिरा के सवाल पूछने की आदत नहीं है, मैं सीधे पूछ रहा हूँ। आपने कहा एमएलए एमपी से ऊपर है, आपके स्टार प्रचारक बने रहेंगे या टिकट विकट भी दीजिएगा? देखिए, वो उनका आज मैंने आपको बार बार कहा, राकेश टिकैत एमएलए और एमपी से ऊंचे हो चुके हैं। ओके, आपके स्टार प्रचारक में एक नई मांग होगी, स्टार प्रचारक नहीं, वो सुख दुख के साथी है मतदाता के। हाँ। जिस आदमी ने किसी भी चीज की परवाह करे भी ना, घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़कर और मतदाता के साथ एक स्टार पर खड़े रहे। ठीक है, चलिए, एक बात तो साफ हो गई, ब्रजेश भाटी साहब अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो सियासत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आरएलडी ने साफ साफ कह दिया कि वो हमारे बड़े स्टार प्रचारक हैं, एमएलए एमपी से भी ऊपर है। आखिरी कमेंट मनोज यादव साहब, आखिरी कमेंट जल्दी से। ऐसा है, हाँ, प्रत्युष जी, जितने भी लोग हैं, तो ये टीटू जी है, ब्रजेश भाटी है, किसान आंदोलन के जो लोग हैं, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ना करें, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के ना चलाएं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक थे ना, उनको तो बाद में लाया गया, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वो लगातार कहते रहे कि हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन मनोज यादव साहब, ये सवाल बीजेपी के लिए भी है, ये सवाल बीजेपी के लिए भी है कि ठीक है वो स्टार प्रचारक उनको बना रहे, तो फिर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा? करने दीजिए किसी को भी, किसी के लिए प्रचार करने दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई 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 सीने स्टार को उतार देता है प्रचार में, तो ये तो यहाँ से बॉर्डर से निकल कर गए राकेश जी के सामने आए, राजनीतिक दल बनाए, हमें क्या समस्या है? लेकिन किसानों के नाम पर ऐसा नहीं करें। हाँ, लेकिन हाँ, कम से कम संजीव कौशिक साहब, अगर आप मैदान में खुल करके खेलने आ गए हैं सियासी पिच पर, तो इस बात को आपको कबूल भी करना चाहिए। हाँ, मैं सियासी जमीन पर खेल रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं ना, ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, टीटू साहब ने कह दिया। अरे टीटू साहब ने कह दिया, मैंने क्या कहा? टीटू साहब ने कह दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देश को जवाब दो में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।